राष्ट्रवादी शरद पवार गुट की ओर से जिला सरकारी रुग्णालय परिसर में धरना आंदोलन किया गया। तो आइए सुनते हैं इस आंदोलन के संदर्भ में आंदोलनकारियों ने क्या आरोप किया। इस खबर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गट की ओर से जिला सामान्य रुग्णालय में मौजूद विभिन्न समस्याओं के विरोध में एक धरना आंदोलन किया गया है। इस मौके पर शहर महानगर जिला अध्यक्ष दीपक जायसवाल, शहर उपाध्यक्ष राहुल देवतले के साथ राका शरद पवार गट के नेता भानेश मातंगी तथा अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे। वहीं इस मौके पर एक निवेदन भी जिला शल्य चिकित्सक को दिया गया। तो आइए सुनते हैं इस धरना आंदोलन के संदर्भ में राष्ट्रवादी महानगर जिला अध्यक्ष दीपक जायसवाल ने क्या कहा। आज चंद्रपुर शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस की ओर से शरद पवार गट की ओर से जनरल हॉस्पिटल चंद्रपुर में हमने धरने आंदोलन का कार्यक्रम रखा है, क्योंकि जनरल हॉस्पिटल चंद्रपुर में गरीब लोग और सर्वसामान्य लोग और आजू बाजू के राज्य के लोग भी यहाँ इलाज करने के लिए आते हैं, लेकिन हमारे पास जो समस्याएँ लेकर आते हैं उसमें प्रमुख समस्या ये है कि यहाँ जो डिलीवरी वार्ड है उसमें साफ सफाई बराबर नहीं है, उसके लैट्रिन के बाथरूम के दरवाजे टूटे हुए हैं, तो वो दरवाजे सही करना चाहिए, क्योंकि एक लेडीज जब जाती है तो ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा, यहाँ जो सीटी स्कैन है और एमआरआई है वो 15-15 दिन एक एक महीना एक पेशेंट का एमआरआई होता नहीं है। अगर 15 दिन एक महीना अगर एमआरआई और सीटी स्कैन नहीं होगा तो आगे का इलाज कैसा करेगा, और उसको प्राइवेट में जाके करके लाना पड़ता है, क्योंकि मरता क्या ना करता, और प्राइवेट में डॉक्टर मालूम है कि 3 और 6 हज़ार रुपये लेते हैं। तो दूसरा, यहाँ दवाई का टुटवड़ा हमेशा रहता है, तो यहाँ के डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख के देते हैं और बाहर से दवाई लाना पड़ता है, क्योंकि सरकारी अस्पताल है। जब गवर्नमेंट के पास इतना पैसा है तो सरकार के हॉस्पिटल में सभी दवाइयाँ ये उपलब्ध रहना चाहिए। ठीक है, एक आधी बार नहीं हो सकता, लेकिन हमेशा उपलब्ध रहना चाहिए। वैसे यहाँ मेडिकल कॉलेज के वजह से आज जो सिखाऊ डॉक्टर है, जो थर्ड ईयर में है, फोर्थ ईयर में है, वो लोग आके यहाँ का इलाज करते हैं, वो यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, सिखाऊ डॉक्टर है, उनको सिखाना भी चाहिए, लेकिन जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उन्होंने पेशेंट की तरफ ध्यान देना चाहिए। दूसरी, मेरे को एक बात बोलना है कि जो ब्लड बैंक है, ब्लड बैंक का बहुत बड़ा मुद्दा है कि यहाँ सभी पक्ष के लोग, सभी सामाजिक संगठनाएं हैं जो ब्लड कैंप लेती है और सरकारी हॉस्पिटल को ब्लड पुराती है, लेकिन ब्लड कैंप के समय वो हमको कार्ड तो दे देते हैं, लेकिन जब हम ब्लड लेने के लिए आते हैं तब वो बोलते कि और एक जन लेके आओ ब्लड के लिए। तो ये जो ब्लड हम देते हैं उसके बदले में हमारे को ब्लड दिया जाए, ये हमारी डिमांड है। यहाँ का जो पीएम जो होता है, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के लोग तो कार्रवाई बराबर कर देते हैं, लेकिन समय पे पीएम नहीं होने के वजह से कई बार घंटे घंटे वो पेशेंट को पीएम का इंतज़ार करना पड़ता है। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ के जो आमदार है, यहाँ के जो खासदार है, यहाँ के जो पालक मंत्री है, इन्होंने महीने में, दो महीने में एक बार ये हॉस्पिटल में विजिट देके यहाँ की जानकारी लेना चाहिए कि यहाँ के पेशेंटों को बराबर दवाई मिल रही कि नहीं, यहाँ पेशेंटों का बराबर इलाज हो रहा कि, ये सब बातों का ध्यान देने का काम आमदार, खासदार और पालक मंत्री का है। तो मैं ये चाहूँगा कि वो भी आप बता के नहीं आना, अगर बगैर बताए आए तो यहाँ के सब जो बातें हैं वो आपके सामने उजागर होंगी। ये इसके लिए आज ये धरने आंदोलन का कार्यक्रम यहाँ रखा गया है। वहीं इस आंदोलन में शामिल राष्ट्रवादी शरद पवार गट के नेता भानेश मातंगी ने भी इन समस्याओं को लेकर क्या कहा, आप स्वयं सुने उन्हीं जुबानी। राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार साहब गट की ओर से आज जिला सामान्य रुग्णालय में सीएस साहब को हम लोग निवेदन देने के लिए आए हैं, क्योंकि काफी समय से इस प्रकार के न्यूज हमारे पास आ रहे हैं और बहुत लोग कंप्लेंट लेकर आ रहे हैं कि यहाँ पे सुविधाओं की बहुत सारी कमी है। डॉक्टर दवाई लिख के देते हैं बाहर से लाने के लिए, सीटी स्कैन है लेकिन वो काम नहीं करता, एमआरआई है लेकिन वो काम नहीं करता। बाहर से बहुत लोग आते हैं जो
सामान्य जनता रहती है जिनको इस बात की तकलीफ रहती है, वो पैसों से बहुत कमज़ोर होने के कारण यहाँ पे आते हैं, लेकिन यहाँ पे महिलाओं को, हमारे माता बहनों को और अन्य पेशेंट को बराबर सुविधा नहीं मिलने के कारण आज इस प्रदर्शन के माध्यम से, इस निषेध के कार्यक्रम के माध्यम से सी एस साहब से हम लोग निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द इन सुविधाओं को मुहैया कराए और सीटी स्कैन सिर्फ नाम के लिए ना रखे, उसको काम के लिए भी यूज़ किया जाए। और एमआरआई भी काफ़ी पैसा लगता है, अगर प्राइवेट में कोई जाता है तो एक सामान्य इंसान उन सब पैसों का सुविधा नहीं रहने के कारण ही यहाँ पे जनरल हॉस्पिटल में अपना इलाज करने के लिए आते हैं। तो हम लोग सी एस साहब को अभी निवेदन देते हैं और उनसे विनंती करते हैं कि जल्द से जल्द इस सॉल्यूशन निकाला जाए, अन्यथा इस पर और तीव्र आंदोलन छेड़ेंगे हम लोग। धन्यवाद। सीटीवी के लिए वैभव यारकर की रिपोर्ट।